तो साथियों, अगर कैनरा बैंक अकाउंट से आपको कोई भी पेंशन मिलती है और लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करने के लिए आप ऑनलाइन तरीके से आप अप्लाई किए हुए थे या फिर आप ऑफलाइन में कोई भी फॉर्म फिल करके दिए हुए थे कि भाई मेरा लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट कर दीजिए पेंशन की रिगार्डिंग, लेकिन अभी तक अगर आपका लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट नहीं हुआ है तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे बहुत आसान तरीके से अपना लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट कर सकते हो बहुत प्रॉपर तरीके से। वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लेना है, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूं। चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। साथियों, अगर आपने अपने कैनरा बैंक अकाउंट में अपना लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करवाने के लिए कोई फॉर्म फिल करा था या फिर ऑनलाइन आप फॉर्म फिल किए थे, ऑनलाइन आप रिक्वेस्ट किए थे, लेकिन अभी तक आपका लाइफ सर्टिफिकेट आपके कैनरा बैंक अकाउंट में अपडेट नहीं हुआ है, तो आज की वीडियो में आपको बताऊँगा कि ऑफलाइन तरीके से कैसे आप फॉर्म फिल करके अपने लाइफ सर्टिफिकेट को अपडेट करवा सकते हो अपने कैनरा बैंक अकाउंट में। वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लेना है, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूँ। चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा होगा एक फॉर्म, ये फॉर्म आपको आपकी बैंक ब्रांच में भी मिल जाएगा और आप चाहो तो इस पर्टिकुलर फॉर्म को अपने गूगल क्रोम ब्राउजर से भी डाउनलोड कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं इस फॉर्म को फिल कैसे करना। देखिए, फिल करना अपने में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत से जो लोग हैं वो मिस्टेक कर देते हैं फॉर्म फिल करने में, इसके कारण उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है और जो उनकी प्रोसेस है वो आगे प्रोसीड नहीं होती है। तो यहाँ पे चलिए हम लोग सबसे पहले इस फॉर्म को फिल करते हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा फॉर्म, फॉर्म में आपको आपका एड्रेस फिल करना है जो कि आपकी पासबुक में दिया गया होगा। टू द ब्रांच मैनेजर, यहाँ पे आपको ब्रांच का नाम लिखना है, बहुत प्रॉपर तरीके से आपको आपका ब्रांच का नाम लिख देना है। यहाँ पे आप थोड़ा नीचे आएंगे, माई अकाउंट नंबर, जो भी आपका अकाउंट नंबर है जो आपकी पासबुक में दिया गया होगा वही अकाउंट नंबर आपको लिख देना है, और लिखने के बाद एक दोबारा अच्छे से चेक कर लेना है। कस्टमर आईडी आपको दी गई होगी, कस्टमर आईडी बहुत प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पे लिख देनी जो भी आपकी कस्टमर आईडी है। अगर नहीं आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको खाली भी छोड़ सकते हो। फोन नंबर, मोबाइल नंबर जो भी है आपके अकाउंट में लगा होगा वही सेम टू सेम आप लिख दीजिए, अगर नहीं लगा तो प्रेजेंट में जो आप इस्तेमाल कर रहे हो वो भी लिख सकते हो। ईमेल आईडी अगर आपके अकाउंट में लगी हुई है तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं लगी तो आप जो प्रेजेंट में इस्तेमाल कर रहे हो वो भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर जो आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो हम यहाँ पे फिल कर चुके हैं। चलिए अब आते हैं अपनी प्रॉब्लम पर। प्रॉब्लम क्या है, लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करना था, लेकिन यहाँ पर लाइफ सर्टिफिकेट का कोई भी ऑप्शन देखने के लिए आपको नहीं मिल रहा है पहले पेज पर। चलिए दूसरे पेज पर आते हैं। दूसरे पेज पर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 10वें नंबर पर लाइफ सर्टिफिकेट नॉट अपडेटेड, सीधी सी बात है, यहाँ पे आपको टिक कर देना, सिर्फ टिक ही करना है बस और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको इस पर टिक करना 10वें नंबर पर, और यहाँ पे आपको लाइफ सर्टिफिकेट नॉट अपडेटेड पर टिक कर देना है। चलिए इसके अलावा अगर आपके पास कोई और समस्या है, कोई और प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन चाहते हो तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप वेट कर सकते हो। यहाँ पर आपको अब आगे की ओर आ जाना है। यहाँ दिया गया है क्या, डेट, डेट आपको उसी दिन की फिल करनी जिस दिन आप ये फॉर्म अपनी बैंक ब्रांच में सबमिट करो। सिग्नेचर ऑफ द कस्टमर्स, यहाँ पे आपको सिग्नेचर वही करने जो कि आपके खाते में लगे हुए हैं। देखिए, मैं आपको फिर से कहूँगा, हर बार कहूँगा, आप लोग जल्दबाजी में कुछ भी सिग्नेचर कर देते हो जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। आपको सिग्नेचर वही करना जो कि आपके खाते में लगे हुए हों। अगर आपको नहीं पता कि आपके खाते में कौन से सिग्नेचर लगे हैं तो आपको आपके बैंक एम्प्लॉय से कंसल्ट कर लेना है, और अगर आप अपने सिग्नेचर भूल चुके हो तो आपको आपका आधार कार्ड लेकर जाना है और अपने सिग्नेचर को वेरीफाई करा लेना है, उसके बाद ही आपको सही सही सिग्नेचर यहाँ पर करने हैं। ये बात आपको समझ में आ गई बहुत प्रॉपर तरीके से। चलिए अब बात कर लेते हैं भाई डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे। डॉक्यूमेंट में आपको आपके आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगा लेनी है, एक पासबुक की फोटोकॉपी लगा लेनी है, तीनों को अटैच करके आपको आपके बैंक एम्प्लॉय को दे देना है और कहना है कि सर मेरा जो लाइफ सर्टिफिकेट है वो अपडेट कर दीजिए पेंशन के रिगार्डिंग, जो भी आपके साथ इशू हो रहा हो, समस्या हो रहा हो, आप क्यों करवाना चाहते हो लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट को, वो भी आप बता सकते हो। तो इस तरीके से आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू सो मच।